द बेसिक मैथ्स. सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज एज 4364 प्लस द ब्लैंक स्पेस इक्वल टू 4364. ऐसा कोई नंबर है जिसे आप 4364 में ऐड करो तो आंसर 4364 ही आए, यानी 4364 ही आंसर आए. तो वो हमें पता है दैट नंबर ज़ीरो, नंबर ज़ीरो हम जब किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, दैट सेम नंबर. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, ज़ीरो. नाउ द नेक्स्ट वन इज 811 प्लस 9. सो ये बेसिक एडिशन है, दिस इज 811 प्लस 9. वी नो दैट 9 प्लस 1 इज 10. एक कैरी किया, 1 प्लस 1 2 एंड इट इज 820. सो सेकेंड का आंसर हमारे क्या है, 820. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 820. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस. यहाँ पे बोला 310 प्लस 310 प्लस 981 प्लस 309. अब अगर आप देखोगे इक्वल के ये साइड में 981 प्लस 309 और ये साइड भी 981 प्लस 309 है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करना है तो 310 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ करूँगी, यहाँ पे भी 310 एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी, यानी ब्लैंक स्पेस का आंसर क्या है, 310. नाउ 10,000 माइनस 1, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10,000 माइनस 1. तो हम लोग सिंपली सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, चार जीरो है उसमें से माइनस 1 करेंगे. सो हम यहाँ करेंगे, जीरो में से 1 माइनस नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे. सो 10 में से 9 बचा, अगेन 10 में से 9 बचा, अगेन 10 में से 9 बचा, एंड अगेन 10 में से यहाँ पे 10 मिले. ओके, 10 में से 1 गया 9, ये 9 एज इट इज़, ये 9 एज इट इज़ और ये 9 एज इट इज़, यानी आंसर क्या है, 9999. आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63710. 63710 में क्या ऐड करें कि आंसर वही आए, या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आए. जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, इसमें एडिशन किया था, इसमें ज़ीरो ऐड किया था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करें, ज़ीरो ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. कोई भी नंबर में ज़ीरो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या आता है, दैट सेम नंबर. ओके, दैट सेम नंबर इज़ द आंसर. सो इसका आंसर भी क्या है, ज़ीरो. फर्स्ट वाले का आंसर भी ज़ीरो था, इसका भी आंसर ज़ीरो है. नाउ ऐसा कोई नंबर जिसे माइनस कर दे तो आंसर ज़ीरो आ जाए, जैसे मैं आपको बोलूँगी वन, वन में से क्या माइनस करूँ कि आंसर ज़ीरो आ जाए, वन में से वन ही माइनस करूँगी तो आंसर ज़ीरो आएगा ना. सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 73760 को माइनस 73760 करूँगी, यानी उसी नंबर से माइनस करूँगी, तभी मेरा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो. यानी यहाँ पे सिक्स का आंसर क्या है, द सिक्स्थ ब्लैंक हैज़ एन आंसर 73760. 73760 में से जब मैं 73760 माइनस करूँगी तो आंसर ज़ीरो ही आएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लीकेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन. सो 4 × 300 सो हम यहाँ पे करेंगे, हमने बेसिक मल्टीप्लीकेशन सीखा है, सो वी विल यूज़ इट. 0 × 4 इज 0, अगेन 0 × 4 इज 0, एंड 3 × 4 इज 12. सो आर आंसर इज 1200. Got it? Now, we know that 2 × 1 is, we know that 2 × 1 is 2, या फिर 32 × 1 is 32. यानी कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता, वही आता. सिमिलरली इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसी बेस पे डिपेंडेड, विच इज़ 1 × ऐसा क्या करें कि 46 आ जाए. 1 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगी, 46 ब्लैंक स्पेस में रख दूँगी. सो इट विल बी 1 × 46 विच इज़ इक्वल टू 46. तो 1 × 46 करूँगी तो आंसर 46 ही आएगा. नाउ नेक्स्ट इज 4 × 4. हमें पता है 4 × 4 कितना होता है, 16. आगे साइन किसका है, प्लस. तो 16 में ऐसा क्या प्लस करूँ कि 20 आ जाए. हमें पता है 16 के बाद 17, 18, 19, 20. 16 के बाद 4 और प्लस करेंगे तो आंसर क्या आता है, 20. यानी ब्लैंक स्पेस में आंसर क्या है, 4. नाउ अगला क्वेश्चन है 636 × 1000. अब इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, उससे अच्छा आप क्या करोगे, आपको पता है 636 × 1 क्या होता है, सेम नंबर 636, और 000 जो तीनों वो ऐसे एज इट इज़ लग जाते हैं. जब इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे तो आंसर क्या आएगा, 636000. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 + 2468. 0 में ऐसा क्या ऐड करें कि 2468 आंसर आए, तो सेम क्वेश्चन 2468.
ओके, कोई भी नंबर में ऐड ज़ीरो करो या सब्ट्रैक्ट ज़ीरो करो तो आंसर क्या आता है, वही आता है। अब ऐसा क्या, यहाँ पर ऐसा क्या डालें कि आंसर सेम आए, अगेन 9462, ये सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं कई बार। सो 9462 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9462। सिमिलरली 34682 में माइनस ज़ीरो करेंगे तो क्या होगा, सेम आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से ज़ीरो को फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था, 4369 इस साइड है, 4369 इस साइड है, और इस साइड क्या, ये नंबर मिसिंग है, 80026 नंबर यहाँ पे मिसिंग है, तो हम वो यहाँ पे डाल देंगे। ना 45-20, हमें पता है 45-20 क्या होता है, दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, 45-20 दिस इज़ 5, 4-2 इज 2, ओके, सो आंसर इज 25, 15 का आंसर क्या है, 25, गॉट इट। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, मधु परचेज 15 केजीज ऑफ मैंगोज, शी यूज 7 केजीज 530 ग्राम फॉर मेकिंग आइसक्रीम, हाउ मच मैंगोज वेर लेफ्ट। अगर 15 केजी मैंगोज उसने ख़रीदे हैं और आइसक्रीम बनाने के लिए 7 केजी 530 ग्राम यूज़ हो गया, तो कितने बचे, 15 केजी मतलब हम पूरा क्या करते हैं, पहले से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 15 केजी मतलब 15,000 ग्राम, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और 7 केजी 530 ग्राम मतलब 7,000 प्लस 530 ग्राम मतलब 7,530 ग्राम। सो 15,000 ग्राम माइनस 7,530 ग्राम, सो दिस इज़ ज़ीरो, ज़ीरो में से 3 माइनस नहीं होगा, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉट करेंगे, ठीक है, 9 एंड देन 10, सो 10 माइनस 3 इज 7, देन 9 माइनस 5 इज 4 एंड 14 माइनस 7 इज 7, सो दिस इज 7470 ग्राम, यानी कितना, 7470 ग्राम मतलब 7 केजी 470 ग्राम, 7 केजी 470 ग्राम जो हमारे मैंगोज है वो बच जाएंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, सुंदर पेंटेड 25 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर ऑफ द फेंस बिफोर लंच ब्रेक्स एंड 8 मीटर 28 सेंटीमीटर आफ्टर लंच, हाउ मच फेंस डिड ही पेंट ऑल टूगेदर। तो हम क्या करेंगे, 25 मीटर मीटर को ऐड करते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को ऐड करते हैं, राइट, तो दिस इज 25 मीटर एंड 8 मीटर प्लस करना है, ऑल टुगेदर जब बोल दिया था यानी एडिशन बोला गया है, सो 8 9 10 11 12 13, सो दिस इज 33 मीटर, दिस इज 33 मीटर। अब हम सेंटीमीटर देखते हैं, सेंटीमीटर वाले क्या थे, 80 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 8, 8 प्लस 2 108, ओके, सो 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, हमें पता है 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर विच मीन 1 मीटर, यानी 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होगा, 1 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, यानी 33 मीटर हमारा फाइनल उसका आंसर आया था, 33 मीटर अब 1 मीटर प्लस, सॉरी 33 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 34 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, इन 34 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर टोटल वॉल को पेंट किया जाएगा। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, हिना बॉट 7 केजी मैंगोज, हिना बॉट 7 केजी मैंगोज, 3 केजी 850 ग्राम मेलन, 3 केजी और 850 ग्राम मेलन एंड 5 केजी एप्पल, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाय हर। 7 केजी मैंगो प्लस 3 केजी, हम लोग सब केजी केजी ऐड करते हैं, ग्राम्स को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, 3 केजी मेलन्स एंड प्लस 5 केजी एप्पल, तो ये कितना हो गया, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15 केजी, ये 15 केजी हो गया 850 ग्राम, यानी टोटल कितना फ्रूट हुआ, 15 केजी 850 ग्राम फ्रूट्स, यानी हिना ने कितने फ्रूट्स लिए, 15 केजी 850 ग्राम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टेबल ऑफ 9 एंड 12, अब 9 का टेबल और 12 का टेबल सबको आता होगा, 9 का टेबल इज 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, देन 9, 18,
27, 36, then 45, then 56, 6 are 56 and 9, 7 are 63, 9 8 are 72, 9 9 are 81 and 9 10 are 90. So this is how we find out 9th table. And similarly जो 12 का टेबल है वो आपको खुद ट्राई करना है. नाउ एक बेसिक चीज़ ले लेते हैं हम लोग. हमें पता है दैट 10 mm मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 kg. ये हमें पता है. सो उसके बेस पे हम ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे. 16 किलोमीटर मतलब कितने मीटर, हमें पता है 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर, 1000 मीटर. तो 16 मतलब कितने होंगे, 16000 यानी 16000 मीटर, राइट. अब 8159 है, 8139 सॉरी, दिस इज 8139. 8139 मतलब 8 किलोमीटर प्लस 139 मीटर, ठीक है. नाउ 2645 यानी 2 kg एंड 645 ग्राम. 2 kg, अब 2 kg मीन्स कितना हो गया, 2 इंटू 1000 ग्राम यानी सॉरी 2 इंटू 1000 ग्राम विच मीन 2000 ग्राम, राइट. 2 kg मीन्स 2 इंटू 1000 ग्राम यानी इक्वल टू 2000 ग्राम. अब 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है. हमें पता है कि 100 मीटर मतलब कितने, सॉरी 100 सेंटीमीटर मतलब कितना, 1 मीटर होता है. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो 200 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, 100 मतलब 1 यानी 200 मतलब 2 मीटर. सो दैट्स हाउ वी हैव रिवाइज दिस. इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें हम करते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन. जैसे मैं ले लूँ 89 इंटू 95, तो टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया है हमारे लास्ट लेक्चर्स में. सो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस नंबर को लेंगे यानी 5 को लेंगे, ठीक है. 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 9 फाइव ज़ा, पहले हम इसे करेंगे 9 फाइव ज़ा, हमने 9 का टेबल देखा था 45. नाउ 8 फाइव ज़ा 40, 40 प्लस 4 44, एक क्रॉस मार्क देंगे. देन 9 नाइन ज़ा 81, 8 नाइन ज़ा 72, 72 प्लस 8 कितना होता है, टोटल 80. अब हम क्या करते हैं इनका एडिशन. दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, दिस इज़ 4 एंड 8, यानी 89 इंटू 95 का आंसर क्या था, 8455. इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हमने सीखे हैं. उसके अलावा अगर आपको कोई पूछ ले 27 का टेबल बोलो, तो 27 का टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 27 इंटू 1 इसे फाइंड आउट करोगे. 7 वन ज़ा 7, 2 वन ज़ा 2, यानी 27 वन ज़ा 27. अब 27 टू ज़ा पता करना है, तो 27 इंटू 2, 7 टू ज़ा 14, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5, 54, यानी 27 टू ज़ा क्या होता है, 54. देन 27 थ्री ज़ा, 7 थ्री ज़ा 21, देन 2 थ्री ज़ा 6, 6 प्लस 2 7, 8, 81. यानी इस तरीके से आप पूरे 10 ज़ा तक फाइंड आउट कर सकते हो, यानी 27 का टेबल आप पूरा फाइंड आउट कर सकते हो. सो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है बेसिक जो हमें कंप्लीट करने हैं. आपको क्या करना है, 9 एंड 12 का टेबल याद करना है. तो बेसिकली 12 का टेबल भी आप लोग अगर आपको नहीं आता तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 12 इंटू 1, 12 इंटू 2. तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन करने हमने सीखे हैं. 12 इंटू 8 करना है या फिर 12 8 ज़ा पता करना है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करोगे. यानी 8 टू ज़ा 16, 8 वन ज़ा 8 प्लस 1 96, यानी 12 8 ज़ा क्या होता है, 96. अगर आपको टेबल याद नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आंसर्स निकाल सकते हो. सो दैट्स हाउ यू कैन कम्प्लीट दिस टेबल्स, ओके. यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग टेबल्स सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा हमने किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन सीखा. इसके अलावा एक कन्वर्जन जो कि केजी और ग्राम का होता है, तो हमें पता है 1000 ग्राम यानी कितने केजी होते हैं, 1000 ग्राम विच मीन 1 केजी. जैसे 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 केजी होता है, सॉरी 1 किलोमीटर होता है. 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सिमिलरली 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो जो किलो होता है ना, उस किलो का मीनिंग 1000 होता है, इसलिए उसे ग्राम ग्राम सिमिलर लेते, किलो हमें एक्स्ट्रा लगाना होता है. सो दैट्स हाउ वी कैन कंप्लीट दिस. थैंक यू.